सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में आपको पता चलने वाला है टॉप 5 सुपर बाइक एक्सीडेंट, टॉप 5 सुपर बाइक क्रैशेस इन इंडिया। आप जो भी चाहो वो कह सकते हो, आप एक्सीडेंट भी कह सकते हो, क्रैश भी कह सकते हो। बट मुझे एक बात ज़रूर से बताइएगा कि आपकी फेवरेट वाली सुपर बाइक कौन सी है इन क्रैशेस के अंदर से, ठीक है? या फिर आपकी कोई अनदर फेवरेट बाइक होगी तो वो भी आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई शुरू करते हैं नंबर 5th वाले क्रैश से। ये क्रैश अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल ही फिलहाल मतलब कि नारायण नगर बाईपास पे होता है ये क्रैश, एक हायाबुसा और एक मर्सिडीज के बीच में। एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि एक बंदा अपनी हायाबुसा को ओवर स्पीडिंग करते हुए 180-190 की स्पीड में वो चला रहा होता है, और जो मर्सिडीज वाला होता है उसको जाना होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो मर्सिडीज वाला होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए यू टर्न नहीं लेता है, वो कहीं रॉन्ग साइड आने लगता है और इसी वजह से ये क्रैश हो जाता है। जो हायाबुसा वाला होता है वो अपनी बाइक को एंड टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसी वजह से ये क्रैश होता है। और इस क्रैश के अंदर कैसे आप हायाबुसा की हालत देख सकते हो। हायाबुसा का जो राइडर होता है वो भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंजर होता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हायाबुसा टोटली लॉस हो चुकी है, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, इसका एलॉय से लेके इंजन तक सब कुछ टूट चुका है। और इस क्रैश के अंदर टोटली गलती होती है मर्सिडीज ड्राइवर की। गाइस अब बात करते हैं नंबर 4th वाले क्रैश की। ये क्रैश मतलब कि क्या होता है कि ZX10R और एक ट्रक के बीच में होता है। चिरोटी मुंबई अहमदाबाद के रोड पे मतलब कि ये क्रैश होता है। फॉगी सा वेदर होता है, सुबह का टाइम होता है और ZX10R वाला जो होता है वो ट्रक के पीछे पीछे चल रहा होता है अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए। अब एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रक वाला होता है बिना इंडिकेटर दिए ही मुड़ जाता है और इसी वजह से मतलब कि ZX10R वाला अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बाइक स्किट होके सीधे ही मतलब कि इसके टायर में जाके लगती है और इसी वजह से मतलब कि ये गाइस क्रैश होता है। और बाइक की हालत तो आप देख ही सकते हो, फ्रंट से पूरी तरीके से टूट चुकी है, मतलब कि टोटली लॉस हो चुकी है। और जो राइडर होता है उसने राइडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली पहना हुआ होता है, इसी वजह से उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती, बट बाइक की हालत तो आप देख ही सकते हो। और इस वाले क्रैश के अंदर टोटली गलती होती है ट्रक ड्राइवर की, क्योंकि वो बिना इंडिकेटर दिए ही मुड़ जाता है। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 3rd वाले क्रैश की। ये क्रैश होता है हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर। इसके अंदर जो सुपर बाइक यूज़ हो रही होती है वो होती है सुजुका की GSX 1000। और ये गाइस बाइक ज़्यादा पुरानी नहीं होती, बस 2 से 3 दिन पुरानी होती है। एक्चुअली में ये रजिस्टर भी नहीं हुई होती है, बट जो ये बंदा होता है वो गाइस इसको ओवर स्पीड करता है, मतलब कि इसको टॉप स्पीड भी ले जाने की कोशिश करता है विदाउट राइडिंग गियर्स विथ पिलियनर। सो गाइस इसमें होता क्या है, जो पिलियनर होता है उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और जो दूसरा बंदा होता है, जो राइडर होता है, वो एक्चुअली में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बट हॉस्पिटल में भी जाके उसकी डेथ ही हो जाती है, वो बच नहीं पाता है। और इस क्रैश के अंदर मतलब कि टोटली गलती होती है पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने सुपर बाइक तो दिला दी बट राइडिंग गियर्स वगैरह नहीं दिलाए और उसको कंट्रोल में भी नहीं रखा कि भाई अभी नई नई है, पहले तो सीख ले उसके बाद इसको चला। तो गाइस ये था नंबर 3rd वाला क्रैश। सो गाइस अब बात करते हैं 2nd नंबर के क्रैश की। ये क्रैश होता है केरला में, एक R1 और पेड़ के बीच में होती है गाइस ये क्रैश। एक्चुअली में इसमें टोटली गलती होती है R1 वाले की, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि गाइस रात के 2 बज रहे होते हैं और इस टाइम पे मतलब कि ये बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है। तकरीबन 220-230 की स्पीड पे ये बाइक चल रही होती है और बाइक को मतलब कि ये बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसी वजह से मतलब कि ये पेड़ में जाके बचती है। और बाइक की हालत आप देख सकते हो, पूरे 2 हिस्सों में बट चुकी है बाइक और टोटली लॉस हो चुकी है। और इसके अंदर जो राइडर होता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो गाइस इसीलिए कहता हूँ कि ओवर स्पीडिंग करनी हो तो मतलब कि आपको पहले बाइक को समझना चाहिए, उसके बाद ही ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गाइस इसके अंदर भी मतलब कि राइडर की डेथ हो जाती है। सो गाइस नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इनमें से कौन सी वाली आपकी फेवरेट वाली सुपर बाइक है। और दूसरी बात कि अगर आपको ऐसे ही टॉप 5 क्रैश वाली वीडियो पसंद है तो मेरी चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा। तो गाइस अब बात करते हैं नंबर 1 की। इसके अंदर होती है डुगाटी पेनेगेले। और गाइस आपको पता होगी कि डुगाटी पेनेगेले की प्राइस कितनी ज़्यादा होती है। और ये क्रैश भी होता है नाइट के टाइम पे। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि जो डुगाटी पेनेगेले का राइडर होता है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है रात के टाइम पे, और ये बाइक मतलब कि सीधे जाके टकराती है एक ट्रैक्टर से और थोड़ी देर बाद मतलब कि उस डुगाटी पेनेगेले में मतलब कि आग लग जाती है। और वो आग कैसे लगती है वो तो किसी को भी पता नहीं चला, बट क्रैश की वजह से आई थिंक स्पार्किंग वगैरह हुआ होगा और पेट्रोल वगैरह लीक हुआ होगा, इसी वजह से वो आग लग जाती होगी। और गाइस बाइक की हालत आप देख सकते हो कि बाइक पूरी तरीके से खाक हो चुकी है, मतलब कि उसका टायर वगैरह सब कुछ मतलब कि उसकी जो प्लास्टिक की पूरी बॉडी होती है वो पूरी की पूरी पिघल चुकी है।
और गैस ये होता है नंबर वन वाला क्रेश। तो गैस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही मेरी दूसरी भी क्रेशेज वाली वीडियोस है वो भी आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपकी फेवरेट वाली सुपर बाइक कौन सी है।